हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडे इज आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन। ओके, वी आर कंटिन्यूइंग दैट टॉपिक व्हिच इज टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर वॉलेटिव। अब हमारा कौन सा है, हम फोर टाइप्स कवर कर चुके हैं। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, माइल्ड और स्ट्रॉन्ग। अभी हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। इन सब के आगे आप इंट्रोडक्शन लिख लीजिएगा, वैसे लिखिएगा मत, ये तो आपने नोट्स बना ही लिए हैं। तो अब हम फिफ्थ टाइप कौन सा पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वॉलेटिव इंटरजेक्शंस। तो देखते हैं वॉलेटिव इंटरजेक्शन कौन से होते हैं। लिखिए, वॉलेटिव इंटरजेक्शन आर इंटरजेक्शन जो कि डेट एक्सप्रेसेस एक्सप्रेस क्या करते हैं, रिक्वेस्ट। इसमें किसकी बात हो रही होती है, रिक्वेस्ट की, या फिर कोई कमांड। कमांड मतलब कोई ऑर्डर दे रहा होगा, इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो और क्या होगा, ये कब यूज होते हैं, दैट आर यूज्ड व्हेन और रिस्पॉन्स इज एक्सपेक्टेड। किससे एक्सपेक्ट किया जाएगा, फ्रॉम द पर्सन, फ्रॉम द पर्सन टू होम इट इज एड्रेस्ड। तो वॉलेटिव इंटरजेक्शन कौन से होते हैं जो कि एक्सप्रेस किया करता है हमारे रिक्वेस्ट को किसी की, या फिर किसी कमांड को एक्सप्रेस करता है। ये यूज़ किए जाते हैं जब रिस्पॉन्स, मतलब कि सामने वाले इंसान से, किसी पर्सन से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हों, रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हों, तब इसको यूज़ किया जाता है। इट मीन्स इसमें क्या होता है, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के साथ समझाती हूँ, तो लिखते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल। I think I hear something outside the tent। तो इसमें क्या हो रहा है, ये कमांड दे रहा है। इसमें क्या हो रहा है, कमांड दे रहा है चुप रहने के लिए। Quiet, इस कलर से करती हूँ। ये जो क्वाइट है, ये क्या दे रहा है, कमांड दे रहा है। क्वाइट, आई थिंक आई हेयर समथिंग आउटसाइड द टेंट। तो ये कह रहा है चुप हो जाओ, शांत रहो, मुझे लगता है कि मैंने कुछ सुना है टेंट के आउटसाइड से। ठीक है, तो ये कमांड दे रहा है। कमांड की बात थी और रिक्वेस्ट की बात थी। अभी हम और एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर टू। आई स्टिल हैव वन मोर लगेज टू पैक। वेट, तो ये क्या बोल रहा है, आई स्टिल हैव वन मोर लगेज, में मुझे अभी रुक जाओ, आई स्टिल, मेरे पास अभी भी एक और लगेज है पैक करने के लिए, तो रुक जाओ। ये क्या शो कर रहा है, ये हमें शो कर रहा है रिक्वेस्ट, वेट करने के लिए। वेट बोल रहा है, रुकने को बोल रहा है। ठीक है,
अगर हम और एग्जांपल देखें, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आई कांट फोकस व्हेन यू आर सिंगिंग, आई कांट फोकस व्हेन यू आर सिंगिंग, तो ये क्या कह रहे सेंटेंस, आई कांट फोकस व्हेन यू आर सिंगिंग। जब कोई चुप रहने के लिए बोलते हैं तो ये वाला वर्ड यूज करते हैं ना, श करके कुछ, तो ये क्या होता है, श आई कांट फोकस व्हेन यू आर सिंगिंग। ओके, मतलब चुप रहने के लिए बोल रहा है इसमें, ये क्या हो रहा है, कमांड दे रहा है, इसमें कमांड या रिक्वेस्ट जो होता है वो होता है हमारा वॉलेटिव इंटरजेक्शन। एक लास्ट एग्जाम्पल और देख ही लेते हैं, जैसे AHEM, ये क्या बनता है, अहम, प्लीज पे अटेंशन, तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ये इस वर्ड से हमें पता चला है, प्लीज भी बोल रहा है ये, तो ये क्या कह रहा है, अहम, प्लीज पे अटेंशन, अटेंशन दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं अब, विच इज इमोटिव इंटरजेक्शन। ओके, सिक्स्थ है ये हमारा, कौन सा, इमोटिव इंटरजेक्शन, तो इमोटिव इंटरजेक्शन कौन सा होता है, जो वर्ड्स एक्सप्रेस करते हैं किसी इमोशन को या फिर इंडिकेट अ रिएक्शन टू समथिंग। तो इमोटिव इंटरजेक्शन कौन से होते हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं यहाँ पे मैं लिखवा ही देती हूँ, आप लिख लीजिए, एन इमोटिव इंटरजेक्शन यहाँ पे आगे लिखिए, इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करते हैं ये, एक्सप्रेस एक इमोशन, इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं या फिर इंडिकेट करते हैं, मतलब इशारा करते हैं एक रिएक्शन, और रिएक्शन इंडिकेट हमें रिएक्शन देते हैं टू समथिंग, किसी चीज़ के अबाउट हमें क्या देते हैं, ये रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम इसको अदर वर्ड्स में लिखें तो ये क्यों यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज्ड टू, लिखते हैं दे आर यूज्ड टू कन्वे हाउ वी फील अबाउट समथिंग, हाउ वी फील अबाउट समथिंग। ये राइटिंग ना बस, फील अबाउट समथिंग। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये ऐड करते हैं, मतलब इमोशन देते हैं किसी स्टेटमेंट के अबाउट, और ये हेल्प करते हैं कम्युनिकेट करने में। ठीक है, तो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है आउच, यिप्पी, यू, यू मतलब कोई गंदी चीज़ के लिए, यक, यक भी किसी गंदी से चीज़ के लिए करते हैं। तो अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, किसके, इमोटिव के एग्जाम्पल्स ऑफ इमोटिव इंटरजेक्शन। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहाँ पर, यू, वाई आर यू सो डर्टी, तो ये एक सेंटेंस क्या कह रहा है, यू मतलब बहुत डिस्कस्ट चीज़ को ये शो कर रहा है, डिस्कस्ट, तो ये बोल रहा है कि तुम इतने गंदे क्यों हो, वाई आर यू सो डर्टी, यू मतलब घिन आती है इसको इस टाइप से। तो सेकंड अगर हम देखें तो आउच, द आंट जस्ट
बिट मी, आउच, दे कैंट जस्ट बिट मी. तो ये क्या होता है, हमारे एक पेन को फील कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रही है. क्या कर रही है, पेन को एक्सप्रेस कर रही है. जब ए एंड मतलब होता है चीटी, तब चीटी ने मुझे काटा. ठीक है, तो अगर हम देखें और एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल देखते हैं. यू व्हाट इज दैट, फिल दिस, व्हाट इज दैट, फिल दिस स्मेल. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, यू व्हाट इज दैट, फिल दिस स्मेल. तो ये क्या कर रहा है, डिस्कस, मतलब कि ये आई फील डिस्कस. तो ये सेंटेंस क्या, ये क्या शो कर रहा है, आई फील डिस्कस, मुझे बहुत अजीब सा गंदा सा लग रहा है. ठीक है, तो ये हमने कुछ एग्जांपल देखे इमोटिव के और वॉलेटिव का. आई होप आपको इमोटिव और वॉलेटिव एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग से. वॉलेटिव जो होता है हमारा रिक्वेस्ट को शो करता है या फिर हमारी कमांड्स को शो करता है. इसमें एक्सपेक्ट होता है कि सामने वाले से जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको एड्रेस किया जाए. तो जैसे क्वाइट ये कमांड दे रहा है चुप होने के लिए, और इसमें वेट बोला है, शो बोला है, मतलब कि मुझे आई कांट फोकस, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ. व्हेन यू आर सिंगिंग इसमें क्या हो रहा है, हम प्लीज़ पे अटेंशन, इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है. तो नेक्स्ट हमारा इमोटिव इंटरजेक्शन, जो कि एक्सप्रेस करते हैं इमोशन को और इंडिकेट, संकेत देता है आर रिएक्शन टू रि, क्या लिखा है, रिएक्शन टू समथिंग आएगा. यही मैं बोलूँ, मुझे अजीब सा लगा एकदम से. इसको रब करके सही करते हैं, आर रिएक्शन टू समथिंग. तो देखते हैं स्टार्टिंग से इमोटिव इंटरजेक्शन यूज़ किए जाते हैं इंडिकेट करने के, इमोशंस या फिर रिएक्शन इंडिकेट करने के लिए किसी चीज़ का. तो ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं, कन्वे हाउ वी फील अबाउट समथिंग, हमें किसी चीज़ के लिए कैसा लग रहा है. तो इसमें क्या था, यू ये डिस्कस्ड फीलिंग थी, और इसमें क्या था, हर्टफुल फीलिंग थी आउच की, और ये भी डिस्कस्ड फीलिंग था. आई होप आपको वॉलेटिव एंड इमोटिव क्लियर हो चुका होगा. अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बताइएगा. नेक्स्ट वीडियो में हम अदर टाइप ऑफ इंटरेक्शन पढ़ेंगे. जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू.